हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। तो राइट डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो ये आपका जो फाइब्रॉइड है, ये यूट्रस के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। लेकिन आपकी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर दो किस्म के हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एवरी मंथ आपको जब मेंसेस होते हैं, तब ये आपके जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग को ये बढ़ाते चले जाते हैं। इसकी वजह से आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स की अफजाइश का बास भी होता है। फाइब्रॉइड की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी उम्र ज़्यादा होना या आपका वजन ज़्यादा होना, आपका इरेगुलर मेंसेस होना और हेवी ब्लीडिंग होना, हार्मोन इनबैलेंस होना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। आपका जो लोअर अबडामिनल है उसमें सीवियर पेन होना, आपको पतली उल्टी वगैरह होना, कमर में दर्द और आपकी जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स वगैरह भी आते हैं, इस तरीके के आपको सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको लाइट स्पॉटिंग वगैरह होती है लेकिन पेन सीवियर होता है। तो आप इसकी राइट डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करना है आपको। मेन इन्वेस्टिगेशन होंगे वो कराएंगे और एक अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, हो सकता है वो आपकी MRI भी कराएं। आपका जो फाइब्रॉइड का साइज है वो देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं क्या मेडिसिन के जरिए इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन दे के रिकवर कर देते हैं या नहीं। अगर फाइब्रॉइड हम अगर सर्जरी के जरिए निकाल सकते हैं तो खाली हम फाइब्रॉइड को सर्जरी करके निकाल देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत सीवियर हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, तो आपका जो फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड के साथ में हमको यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है, तो हम इसको हिस्टरेक्टोमी बोलते हैं। थैंक यू।